नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपकी बात में आप सबका स्वागत है। अभी मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ। देखिए, बच्चा बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, यही देश को आगे बनाएंगे। तो कहा जाता है कि राजनीति बच्चों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों के बीच कौन सा नेता सबसे लोकप्रिय है। बताओ बाबू, कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है? बताओ, केजरीवाल। आप बताओ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप बताइए, नरेंद्र मोदी। इधर देखो, बताओ, नरेंद्र मोदी। आप बताओ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तुम बताओ। मैं बता दी। अच्छा, आप बताओ। केजरीवाल। 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 नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप बताओ। केजरीवाल। केजरीवाल। आप बताओ, बताओ कौन सा नेता आपको पसंद है? केजरीवाल। केजरीवाल। तो देख सकते हैं दोस्तों, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कांटे की टक्कर है। यहाँ पे बच्चों के बीच में दोनों नेता बहुत लोकप्रिय हैं और बच्चे मशगूल हो रहे हैं अपने खेल में। तो अच्छा लगता है बच्चों से बात करके, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि देश का भविष्य है, आने वाले समय में यही बच्चे वोटर बनेंगे और देश की किस्मत को निर्धारित करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने देखा, बच्चों के बीच में अभी मोदी की लोकप्रियता बहुत अधिक है। ध्यान देने वाली बात है कि जो नंबर टू के नेता कहे जाते हैं राहुल गांधी, वो यहाँ नहीं है। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए अपने किस्मत पे कि आने वाले समय में, क्योंकि ये बच्चे ही आने वाले समय में निर्धारित करेंगे कि किसकी सरकार होगी इस देश में। थैंक यू दोस्तों।